अब मैं आपको सिखाऊंगा आज की दूसरी रेसिपी। बहुत आसान है। सबसे पहले हम पानी करेंगे गरम, उबलता हुआ पानी है वहाँ, ठीक है। थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। मैंने इसमें चावल उबालने हैं, ठीक है ना। मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, ठीक है, तो हम इसमें चावल डालेंगे। थोड़ा पानी रिवर्स करेंगे बैक फ्लश करके। और ये कितने चावल आपने? तकरीबन एक कप चावल है, ठीक है। सॉल्ट हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन एक चम्मच, ठीक है। चम्मच नमक और हमें इसको सिर्फ मिक्स कर लेना है, दैट्स अबाउट इट। और कुछ भी नहीं करना, थोड़ा मिक्स कर लें, इसको उबालेंगे। अच्छा, इसको हमने उबालना है क्योंकि हम इसको सर्व करेंगे हमारी रेसिपी के साथ। आज की पहली रेसिपी बहुत मज़ेदार है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी, ऑरेंज चिकन, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तानी चाइनीज़ है। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है आपको बता दो। लहसुन इस्तेमाल करेंगे, टोमेटो इस्तेमाल करने हैं, ऑरेंज बहुत सारे नहीं एक इस्तेमाल होगा, प्याज होगा, मटर होंगे, नमक, कॉर्नफ्लावर हम इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ हरी मिर्चें। चिकन हमने एक किलो लेना है, लेग एंड थाई का कॉम्बिनेशन और सोया सॉस। सबसे पहले हमने चिकन ले लेना है, ठीक है ना। चिकन लेग्स हैं हमारे पास एंड चिकन के पूरे पीसेज हैं, ठीक है। मैं आपके लिए वही करूँगा, आपको कट करना सिखाऊंगा। यहाँ से आपने इसको डीप थोड़ा सा जॉइंट से निकाला, ठीक है, और हम इसको यहाँ से सिर्फ कट कर देंगे, ठीक है। सिंपल एंड ईजी। आज हमारी दोनों रेसिपीज चिकन की हैं, तो चिकन लवर के लिए बेस्ट रेसिपीज़ हैं। डिफरेंट थोड़ा अगर चिकन खाना हो, डिफरेंट टाइप का चिकन बना के खाना हो, तो ये दोनों रेसिपीज़ दी बेस्ट हैं। साथ साथ हम इसको कट मारेंगे, ठीक है, कट मार लिया हमने। लेग पीस पे हमेशा इस रेसिपी के लिए दो कट मारने हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रह जाए, ठीक है। अब तो आप वैसे इफ्तारी का इंतज़ार कर रही होंगी, ठीक है। ऑयल हमने इसमें ऐड करना है, डालडा का कुकिंग ऑयल, ठीक है। हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप, ठीक है ना, ठीक है। पानी यहाँ उबाल पे है, ठीक है। मैंने हल्की आग पे छोड़ा था, मैंने आग अभी तेज़ कर दी है। राइस कोई चिपकी भी नहीं है अपने साथ। हमने 5 मिनट इसको बस उबालना है, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड से सबसे पहले मैं हटाऊंगा चिकन, ठीक है। तो हमने चिकन को उठाया, चिकन हटा दिया है हमने। अच्छा, यूजुअली लोग इस पीस के थाई पीस को दो पीसेज में और भी काटते हैं, आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल पाइपिंग हॉट है, ठीक है। इसमें लहसुन जाएगा, ठीक है। मैंने समझे छोटा लहसुन जो इस्तेमाल इस वक्त किया है, वो मैंने किया है इस वक्त तकरीबन आधा कप, ठीक है। अब मैं लहसुन फ्राई करूँगा ताकि एक प्रॉपर आपको, और ये इतना शोर किस बात का है, क्योंकि लहसुन में थोड़ा सा पानी था, वॉश किया था और नमी थी, ठीक है ना। ये क्विक एंड इजी रेसिपी है, इसमें कोई इतना काम नहीं है। सबसे पहले हमने झटपट तैयार टोमेटोज लेने हैं, ठीक है। हम आई ऑफ द टोमेटो निकाल लेंगे, मतलब जो ऊपर इसका पार्ट होता है, टमाटर जिसमें इसकी आंख है ना, ये देखें छोटी सी है, हम इसको कहते हैं आई ऑफ द टोमेटो। इससे क्या होता है, चिकन जो है पकता भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि जो आपका टोमेटो है वो सही से गलेगा। सबसे आखिरी पार्ट जो गलता है टोमेटो का वो ये वाला होता है। हम सिर्फ टोमेटो को उस तरीके से स्लाइस कर रहे हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ट्रिक है, इसको ऐड मत करें, ठीक है, यानी कि हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। आज तो शोर शराबे वाली मुर्गी तैयार हो रही है, वेरी नाइस। ये टोमेटो हमने ऐड कर दिए, साथ साथ चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं और भड़कते तेल में करेंगे टमाटर ऐड हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं, कब करेंगे, तब चिकन हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे मटर फ्राई करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें मटर फ्राई करने हैं, ओके। ये बॉईल नहीं लेंगे आप, नहीं डायरेक्ट ही, ठीक है। साथ साथ हम नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है। बड़ी हेल्दी सी डिश है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, मजेदार सी चिकन भी है, ठीक है, सारे प्रोटीन और प्रोटीन सब कुछ। प्रोटीन आज मेरे, मुझे सच में रोजा लग रहा है। और ये क्या चीज है, प्रोटीन, सोया सॉस हम डाल रहे हैं इसमें तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये थोड़ी सी स्पाइसी रेसिपी है, ठीक है, जिसको स्पाइसेस पसंद है वो यकीनन इसको इंजॉय करेंगे, ठीक है। ग्रीन चिली हम फाइनली चॉप कर लेते हैं, तो जिनको स्पाइसेस पसंद है उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है, स्पेशली चिकन कढ़ाई या इस तरह के जो शौकीन लोग हैं चिकन खाने के, स्पाइसी चिकन उनके लिए तो दी बेस्ट हो गया। और बड़ी डिफरेंट भी है, साथ आपको वेजिटेबल भी मिल रही है, बच्चों को भी आप इजीली बना के खिला सकते हैं। जो बच्चे नहीं खाते वेजिटेबल, उनके लिए भी दी बेस्ट है कि आप वेजिटेबल ऐड करें और बच्चों को भी खिलाएं। ये हो गई
हमने ऐड कर दिया, सोया सॉस हम इसके साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या, इसको मैंने अब आग तेज़ कर दी आपके सामने, इसको मैं लिड दूंगा और तेज़ आग पे मैं इसको छोड़ूंगा तकरीबन लेट्स से 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपने तेज़ आग पे छोड़ दिया। और ये राइस साथ साथ हम एक प्याज लेंगे, ये रूट है, ठीक है। इसको मैं सिर्फ हल्का सा यहाँ से निकालूंगा, ये देखो। ओके, क्यों, क्योंकि प्याज इसकी वजह से पकड़ा रहेगा, ज़्यादा डीप नहीं काटना। एक ही प्याज ऐड होगा इसमें, प्याज इसमें हम एक ऐड करेंगे, ठीक है। फाइनली चॉप करना है, फाइनली चॉप प्याज हम पहले इस तरफ प्याज की तरह काटेंगे और हम इसको ठीक होगा इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें ऑरेंज ही क्यों, क्योंकि ये रेसिपी है, ठीक है। जिस तरह आपने कभी खाई टैमरिंड फिश होती है रेस्टोरेंट में, मतलब इमली वाली, ठीक है ना, फिर जिस तरह हम कहते हैं कढ़ाई मुर्गी, कढ़ाई में टमाटर जाते हैं, तो ये रेसिपी बेसिकली इसकी जो ओरिजिन है वो इसी तरीके से इसको यूज किया गया है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसी के अंदर अनियन ऐड कर देना है, ठीक है। हम आज बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी बजट फ्रेंडली चाइनीज़ की रेसिपी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर और कुछ नहीं ऐड करना, आपने सबसे पहले, और अभी चाइनीज़ वाली खुशबू भी आना शुरू हो गई है ना, लग रहा है कि कुछ चाइनीज़ डिश तैयार हो रही है। अच्छा, हम इसमें सबसे पहले चिकन के पीसेस इस तरीके से रखेंगे, ओके, ठीक है। इसको प्रेस कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। और ये चिकन ऐड रखा मैंने इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा लोगों ने खाना हो तो ज़्यादा बनाए, ऐसे ही बिल्कुल, और ऐड ऑन करते जाएं चीज़ें उसमें, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा पानी लेना है, जग मैंने पीछे रखा है, मैं इसमें डालूंगा 2 कप पानी। 2 कप पानी अब आपने ऐड कर देना है इसमें, ठीक हो गया, ठीक है। 2 कप पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, साथ साथ मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून। अच्छा, ये हस्बे जायका डिश है, ये हो गया। अब हमने इसका कुकिंग प्रोसेस रोकना है ना, क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे, ठंडा पानी डालेंगे, कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाएगा, बिकॉज 100 डिग्री से ये आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक ऑरेंज, ठीक है जी। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, 1 डिश है, ऑरेंज लेके हम यहाँ रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से ऑरेंज काटूँगा। ओके, आजकल वैसे फ्रोजन भी मिल जाते हैं फ्रूट्स, अगर सीज़न ना हो ऑरेंज का, सीज़न नहीं है तो यस 100% आप कर सकते हैं, अगर सीज़न है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप सीज़न के साथ चाहिए, सीज़न के साथ, ठीक है। अभी देख रही हैं यहाँ ऑरेंज के अंदर वेन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर आप इस तरीके से वेन्स के साथ काटती जाएंगी ना, ये देखें, ओके, मैं आपको ये भी एक कटिंग स्किल्स है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने फ्लावर की तरह ये ना कट गया, क्या हुआ, ऑरेंज आपस में सारा खुल गया, ठीक है। और जितने भी बीज थे वो बाहर आ गए, निकल गए, ठीक है। वाई एक्सपोज हो गए। हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से करके सीड्स को साइड पे किया, सीड्स आपने नहीं डालने खाने में, आपने ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। जब इस तरह खुलता है ना तो काफ़ी सारे सीड्स खुद भी निकल जाते हैं, ठीक है। हमने देखें, अभी इसको तेज आग पे रखा है, बॉईल को टाइम लगेगा। इस चिकन में ऑरेंज सिर्फ इतना ही जाना है, ठीक है, बस it, okay. आप देखते हैं चाइनीज में हल्का सा लोग टार्टरी ऐड करते हैं, जी, शुगर ऐड करते हैं, हम इस वक्त फ्रूट से जो है फ्लेवर ले रेसिपी का, ठीक है। ये बेसिकली यखनी टाइप की एक आपको फील देगी और आखिर में जाहिर सी बात है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा करेंगे। दोनों जो डिशेज हैं वो बहुत हेल्दी हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे रोजा लगना शुरू हो चुका है, अब मेरी टंग ट्विस्ट शुरू हो चुकी है, आपको हेल्प करूंगा। ऑरेंज चिकन स्टटर फ्राई बनाने की तरकीब। एक कढ़ाही में तेल गर्म करें, चिकन डालें और 4 मिनट तक भूनें, यहां तक कि नरम हो जाए। प्याज, लहसुन की लौंग, हरी मिर्च, मटर डालें और अच्छी तरह पक जाने तक भूनें। सोया सॉस, ब्लेंडेड टमाटर, ऑरेंज रिंग, ऑरेंज जूस और कॉर्नफ्लावर मिला दें और फिर उस वक्त तक सैर करते रहें जब तक जूस गाढ़ा ना हो जाए। नारंगी के टुकड़े शामिल करें और मजीद 2 मिनट तक पकाएं। गर्म पानी में चावल पकाएं। अच्छा, इसमें उबाल आ गया, ठीक है ना। अब हमने करना क्या, उबाल आने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए हल्की आग पे छोड़ देना है। राइस को मैं करूंगा डिश आउट। अच्छा, फाइनल लुक हम आपको इस रेसिपी का दिखाएंगे, साथ साथ आपसे हम इजाजत भी चाहेंगे और डिश आउट करके हम आपको दिखाएंगे कि फाइनल लुक इस रेसिपी की क्या है। इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे मजेदार लजीज रेसिपीज के साथ। होपफुली आप सीख रहे हो और जो भी टिप्स दी जा रही है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इजीली। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।